प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि हिंदू समाज की महिलाओं ने यह फैसला किया है कि वो किसी भी मुसलमान या कट्टरपंथी की दुकान से कोई भी वस्तु या चीज नहीं खरीदेंगे। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हिंदुस्तानी शेरनी नाज़िया अली खान जी का बड़ा ही दमदार और बेबाक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद जय भारत। दिखाना चाहती हूँ, आप उस फोटोज को देखिए कि डिजिटल भारत को हैदराबाद के मुसलमानों ने अवेसी के दलालों ने कितना एक्सेप्ट किया है, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और जैसे ही मोदी जी की बात आती है वो कह देते हैं कि नहीं ये तो हिंदुओं के नेता हैं। अब आप देखिए, मुझे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये अल कुरान की किताब की दुकान है जी। ये मौलवी साहब है, ये यूपीआई है, ये हैदराबाद के चार मीनार पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसको और जूम करती हूँ ताकि लोग अच्छे से समझ सके। ये मौलवी साहब है, ये पीछे दिख रहा है जी, बिल्कुल दिख रहा है। अब मैं आपको जूम करती, ये यूपीआई है जी, यूपीआई है। तो आप तो डिजिटल भारत का हिस्सा बने हुए हो, आप तो मोदी जी का लाभ उठा रहे हो। सड़कें मोदी जी की दी हुई, डिजिटल भारत मोदी जी का दिया हुआ, पानी मोदी जी का दिया हुआ, फिर भी आप मोदी जी को कोस रहे हो, फिर भी आप हिंदुओं को काफिर बोल रहे हो, तो ये कब तक चलेगा? अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैं इसलिए काफी चीजें देखी, ये मैंने चूड़ियां खरीदी है और वहां पे यूपीआई, मैंने उनसे बातचीत भी की है। मैंने उससे पूछा भी है कि यूपीआई जब से इस्तेमाल कर रहे हो भैया, इट्स टू कंफर्टेबल ना? कह रहा है दीदी बहुत अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, जब से यूपीआई आया है तब से हम लोगों के लिए बहुत आराम। अच्छा, ये सारी चीजें अवेल भी कर रहे हैं, सारी सहूलतें जो मोदी जी या गवर्नमेंट की तरफ से हैं उसका फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन फिर उनको ही बुला भला भी कह रहे हैं साथ में। ये तो कहते हैं ना कि जहां से खाना उसी थाली के अंदर छेद करना। मैं इसको बोल देती हूँ, देखिए ये मुसलमानों की आज से आदत नहीं है, 1450 साल से, कि जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में लुंगी उठा करके हक देंगे, ये मुसलमानों की आदत। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर आपने अल कुरान बामाइने पढ़ा हो, आज पाकिस्तान और भारत के मुसलमान इसराइलियों को गालियां दे रहे हैं, क्या हमारे कुरान में बनी इसराइल का जिक्र नहीं है? 1939 में जब पहली बार अल कुरान जब प्रिंट हुआ तो पन्ने कहां से आए थे? प्रिंट की काली कहां से आई थी अल कुरान को प्रिंट करने के लिए? भैया तुम किसको गालियां दे रहे हो? तुम एक सुई बनाने के काबिल नहीं हो। मुसलमानों को तो सर झुका करके रहना चाहिए, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। आपका पाकिस्तान कौन सी चीज बनाता है? मैंने सुना है अंडरवेयर बहुत बनाता है, अरे कोई कितना खरीदेगा अंडरवेयर पाकिस्तानियों से? हमारे भारत में आप मुझे बताइए कि कौन मुसलमान ऐसा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी को मैं नहीं जोड़ रही हूँ क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी एक शिक्षित आदमी थे, मैं नाज़िया अली खान को मत जोड़िएगा क्योंकि मैं एक शिक्षित मुसलमान हूँ, तो हमारा एक औरा अलग है। मैं पूछना चाहती हूँ कि किसी एक ऐसे मुसलमान का नाम बताइए जिसने कुछ इन्वेंट किया हो, जिसने कुछ क्रिएट किया हो, जिसने कुछ देश और जिस धरती पर वो रहता है उसकी सहूलत के लिए और उस देश का नाम उजागर करने के लिए कुछ किया हो? कुछ नहीं किया, आज तक कुछ नहीं किया। आज तक मुसलमानों को ये नहीं पता है कि हमको पजामा कौन से साइज का पहनना है, उटंगा पैजामा पहन लेता है। तो जब जो मुसलमान कौम उटंगा पैजामा में खुश है, जो मुसलमान कौम को अपने साइज का पैजामा सिलवाना नहीं आया है, वो मुसलमान कौम ये बताता है कि वो सबसे बड़ा है। कैसे है?
देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये हमेशा से, जैसे हमारे 630 और 620 एडी में जाइएगा, जब यहूदियों से जजिया लिया जाता था, जब प्रॉफिट्स लोग यहूदियों से जजिया लेते थे वो, और उसके बाद फिर उनको ही मार के काट के खत्म करके इस्लाम का झंडा लगा दिया गया, उसी तरीके से आज भी भारत और पाकिस्तान के मुसलमान सोचते हैं कि हम मोदी जी की सुख सुविधाओं को लेंगे, मोदी जी के सेना और आर्मी की वजह से हम शांति से रहेंगे, मोदी जी के लॉ एंड ऑर्डर से हम अपनी बहू बेटियों को सेफ और सिक्योर रखेंगे, मोदी जी की योजनाओं का भरपेट हम लाभ उठाएंगे, सनातनी जो है वो टैक्स पेमेंट करेंगे, हम 20 बच्चा पैदा करके हम सब्सिडी लेंगे, हम घर घर का योजना लेंगे, हम मुद्रा योजना लेंगे, हम अपने घर में गैस जलाएंगे, हम अपने घर में बाथरूम बनवाएंगे, हम स्कॉलरशिप लेंगे, हम ईदी योजना लेंगे, हम सीखो और कमाओ योजना लेंगे, हम कारीगर योजना लेंगे, हम अपनी बेटियों को स्कॉलरशिप दिलवा दिलवा करके फिर उनकी शादियां भी करवाएंगे, लेकिन हम मोदी जी को बुरा भी बोलेंगे और हम हिंदुओं को काफिर भी बोलेंगे। मतलब नमक हरामी की एक हद होती है, एक इंतहा होती है भैया, एक इंतहा होती है नमक हरामी की। भाई इतना भी नमक हराम मत हो जाओ कि ये नौबत देखना पड़े। आज जो आपने फुटेज दिखाया है, जो आपने आपने वीडियो दिखाया है, ये इंतहा हो चुका है तब जाकर के एक पूरे ग्रुप ने ये काम किया है। कल आप मुजफ्फर भाई सोच लीजिए कि पूरे भारत का 82.7% अगर ये ठान लेगा कि हम मुसलमानों की दुकान पर नहीं जाएंगे, हम मुसलमानों से कोई कारोबार नहीं करेंगे, हम मुसलमानों से कुछ नहीं लेंगे, हम मुसलमानों को बॉयकॉट करेंगे, तब क्या होगा इन 7% मुसलमानों का? क्योंकि देखिए मैं मुसलमानों में से, बोरी समाज इज वेरी फ्लेक्सिबल, बोरी समाज रिफॉर्मेशन चाहता है और रिफॉर्म होता है, शिया समुदाय रिफॉर्मेशन चाहता है और रिफॉर्म होता है। अब आप वहाबियों को देखिए, आप अहमदियों को देखिए, उनके घर की बेटियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। मैं जोगेश्वरी महाराष्ट्र में, इससे पहले जब मैं गई थी महाराष्ट्र, 21 साल की एक बच्ची है जोगेश्वरी में, शिया समाज की है, वो पायलट बनी। तो आप बोरी समाज में बे इंतहा एडुकेशन है, शिया समाज में बे इंतहा एडुकेशन है, वहाबी और अहमदी समाज में बे इंतहा एडुकेशन है। ये पिछड़े हुए खूनखार जंगी जिहादी जंगजू कौन है? ये सुन्नी है, ये अहले सुन्नत है और देवबंदी है। तो ये आते हैं हमारे भारत में 6.7% या एंटायरली मैं 7% ले लेती हूँ। तो ये 7% को अगर पूरा भारत बॉयकॉट कर देता है तो इनका क्या होगा, इनका क्या हो? ये इस बात को सोच नहीं रहे हैं कि देखिए अंजाम बहुत बुरा होता है, 100 दिन सुनार का होता है तो 1 दिन लोहार का जरूर होता है, और एक हाथी को चींटी खत्म कर देती है। तो जिन सनातनियों को ये मुसलमान अपने मजहब के नाम पर, अपने इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर इतना ज्यादा अत्याचारित कर चुके हैं 77 साल में, एक ना एक दिन तो ये दिल से भी निकलेगा और मुंह से भी निकलेगा। अब देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सनातनी बहुत देर से जागे हैं और इस तरीके का प्रदर्शन या इस तरीके की बातें को बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत सारे सब्र के बाद कह रहे हैं। इतिहास के पन्नों को अगर मुजफ्फर भाई उठाया जाए तो हमारे बापूजी, हमारे गांधी जी ने मंदिर में जाकर के उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी, आई थिंक 1949 की बात है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने मंदिर में जाकर के उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी। हिंदू तो तब से सवाल करने के लिए परेशान है ना कि गांधी जी जरा मस्जिद में जाकर के श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ के दिखाते, उसके अध्याय भी पढ़कर दिखाते। आपने मंदिर में, बापूजी ने मंदिर में जब कुरान की आयतें पढ़ी तो सनातनियों ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं दावा लेती हूँ कि आज राहुल गांधी बड़ा अजमेर शरीफ जाता है, अजमेर शरीफ में जाकर के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय पढ़े, मेरे ख्याल से 8 टुकड़ों में वापस आएगा। मैं दावे से कह रही हूँ कि राहुल बाबा जो पाकिस्तान से इतना प्रेम दिखाता है, मुसलमानों से इतना प्रेम दिखाता है, राहुल गांधी गांधी परिवार का आखिरी चश्मो चिराग, जो शरिया लॉ से इतना प्रेम दिखाता है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इतना प्रेम दिखाता है, सारे मुफ्ती और कारियों से इतना प्रेम दिखाता है, जरा अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के बाद मैं चैलेंज करती हूँ कि राहुल बाबा आप अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने के बाद
आप श्रीमद् भगवत गीता के सिर्फ एक अध्याय पढ़ करके मुझे दिखाइए, जो लोग आपके सर पर रख करके चादर चढ़वाते हैं, आपसे हाथ फैलवा करके दुआ मंगवाते हैं, आपसे आयते पढ़वाते हैं, वही आपको 8 टुकड़े में बाहर फेंकेंगे और कहेंगे गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा। और आप कुछ नहीं कर पाएंगे राहुल बाबा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें नाजिया खान जी ने सीधा सीधा आड़े हाथों लिया इन कट्टरपंथियों को और खासकर इन शांति दूतों को, जिनको नाजिया खान जी ने सीधा सीधा नमक हराम बताया। और जैसे कि नाजिया खान जी ने तंज कसा कि इतने सालों में आज तक इस शांति दूत कौम ने कोई भी आविष्कार कोई भी इन्वेंशन नहीं किया, इसी बात पे मुझे तारिक फतेह साहब की बात याद आती है। वो कहा करते थे कि हम मुसलमानों ने आज तक सिर्फ चारपाई को ही याद किया है। और जैसे कि आपने देखा नाजिया लाई खान जी ने ये कहा कि अगर सारे हिंदुओं ने सब सनातनियों ने ये फैसला कर दिया कि वो मुसलमानों की दुकानों से कोई भी चीज कोई भी वस्तु नहीं खरीदेंगे, खासकर ये जो सुन्नी और जो कट्टरपंथ मुसलमान है इनकी दुकानों को अगर बॉयकॉट कर दिया गया तो इनका क्या हशर होगा, इसके बारे में जो भी आपके विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट दमदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।